मनोरंजन की आवाज़ आप तक पहुंचाने के लिए जीएन भारत की टीम रांची के मोराबादी मैदान में पहुंची है। मोराबादी के एक किनारे साइड में लोग जो दुकान लगाए रहते हैं, साइड में जो बैठ के ये खाने पीने की चीज़ों को लेकर के गोलगप्पे, चाउमीन, समोसा जैसे दुकान जो लगते हैं, और ये जो गन्ना जूस अभी चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जो साइड में दुकान लगाए रखते हैं, और कहीं ना कहीं इस चीज़ पे जो मक्खी आकर बैठती है, वो मक्खी कहीं शौच पे बैठती है, कहीं इस पे आके बैठती है, और इससे लोगों को होता है डायरिया। तो आइए वहीं हम इस दुकान में घुसेंगे और इस दुकान वाले भैया से बात करते हैं कि ये जो मक्खी इस पर आके बैठ रही है, वो मक्खी शौच पर बैठती है, उसके बाद यहाँ पर आके बैठती है, और यही लोगों को आप देते हैं, इससे होता है डायरिया। क्या कुछ कहिएगा? इससे हम धो के देते हैं, वैसे थोड़ी देते हैं। धो के देते हैं? अच्छा, कैसे धो के देते हैं? आपका तो यहाँ पे मक्खी पड़ ही रहा पूरी तरीके से। आप जो जूस निकाल रहे हैं उस पे भी, उस चलनी है, वे सब, उस सब चीजों पे भी तो मक्खी पड़ रहा है। सब पानी से धो के देते हैं, वैसे थोड़ी जूस देते हैं, बनाने से पहले धोते हैं। हाँ। अच्छा, और अभी बिक्री कैसा चल रहा है आपका? बिक्री अभी तो बहुत कम चल रहा है। वहीं आइए हम कुछ और दुकानदारों से बात करते हैं। जैसे आप ये गोलगप्पा वाले भैया को देख सकते हैं, अभी जब हम आए थे तो ये ढका हुआ नहीं था, बट अभी जब इन्होंने देखा कि हाँ मैं न्यूज़ बनाने लगी तो ये इसे ढक दिए। देखिए उनका कहना है, वो पीछे से क्या कहना चाह रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये जो पुचका, ये जो गोलगप्पा का पानी है, ये पानी कहाँ से भर के लाते हैं? क्या बोलते हैं, कुआं से भर के। तो ये पानी क्या कुआं का पानी स्वच्छ है? हम लोग यूज वैसे ही करते हैं। और ये जो मक्खी उस पर पड़ रहा है इस पानी में घुसने के लिए, मक्खी देखिए आपके सामने ही है, आप देख सकते हैं ये जो मक्खी बिन बिन बड़ा बड़ा बिल्डिंग में रहेगा उसमें भी मक्खी रहता है, उसे बात थोड़े है कि आदमी। अच्छा, और ये जो मक्खी है ये तो कहीं नाली वाली से आ रही है? वो तो है ही है, बड़ा बड़ा घर में भी मक्खी रहता है, उसको घर से थोड़ा भगा देता है लोग आदमी। वो तो आदमी थोड़ा सा उसका कीटाणु कीटनाशक सब छींटता है, उसको भगाने के लिए कुछ करता है। बरसात के चलते भी आपके पास नुकसान हो रहा है? तो नुकसान सभी को होता है, ऐसा थोड़ा है कि आज नया हो रहा है। बरसात तो लोग खाने पीने को लेकर ज्यादा सजग हो जाती है, बाहर का नहीं खाना ऐसा कुछ हो जाता है? वो जिसको खाना रहता है खाइबे करता है, जिसको नहीं खाना रहता वो नहीं खाता। कभी कहने जाते जनता कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता है जिसको अपना अपना इच्छा होता है। बरसात को लेकर के आप लोग जो ये अनहाइजीन खाना खा रहे हैं, इससे आप लोगों को दिक्कत नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों दिक्कत नहीं है आपको? अपना है, आप हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस नहीं है? डेली नहीं खाते, कभी कभी खाते, तो इसमें क्या इशू है? कभी कभी खाने से नहीं ना, ये वेदर जो चल रहा है, बरसात का मौसम है, पूरी तरह से बरसात आया नहीं है। और अगर आपको आज आप खा रही हो, अगर आपसे आपका से तबीयत ही खराब हो जाएगा, तो उसके बाद आप क्या बोलेगा कि हाँ इससे? क्यों बोलूंगी, इसमें मेरी गलती है ना, मैं खा रही हूँ, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खा रही हूँ, उनका क्या गलती है? आप जो बरसात में बाहर का खाना खा रहे हैं, आपके मक्खी वक्खी जाता है उस पे, कितना देख के खाते हैं? देख के खाते हैं अच्छा बन रहा है कहाँ पे नहीं बन रहा है। बट मेरे कहने का मतलब है कि जो बरसात का वेदर चल रहा है, बारिश का जो मौसम चल रहा है, इससे कहीं ना कहीं इन सब चीजों से हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसमें कोई शक नहीं, पड़ता जरूर है। नहीं नहीं, फिर भी खाएंगे नहीं, कभी कभार जैसे भूख लगे कहीं, अब कहीं कुछ मिले नहीं खाने के लिए, अब यहाँ पे कहीं कुछ है नहीं, अब रूम हम लोग का बहुत दूर है, तो कहाँ पे खाएंगे? कुछ सोचे पेट भरने का मतलब है कि जनता कहीं ना कहीं है यहाँ पे मजबूर, थोड़ा बहुत है कह कि जो जो यहाँ पे कई फूड शॉप में बहुत अनहाइजीनिक खाना परोसते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे जनता हमने कहा? देखिए वो जो है उनका जो खाते हैं उनका मेंटेलिटी कहाँ कहाँ पे क्या है नहीं है, वो तो उनका प्रॉब्लम, हम अपना बता सकते हैं कि हम देख के ही खाते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ देखिए आप थोड़ा सा फ्रेश ही बना रहे, टिश्यू का यूज़ कर रहे हैं टोटल चीज़, अब इसलिए यहाँ पे हम आए रुके खा रहे हैं, अगर यहाँ पे नहीं रहता तो नहीं खाते, यहाँ का पानी नहीं पीते बिल्कुल, कहे कि देखिए बोतल है सब लोग पीता है, पर्सनल बोतल ला के पियेंगे उसका, ठीक है ये होता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कत है थोड़ा सा, यहाँ जो भारत झारखंड सरकार जो है थोड़ा सा यहाँ सब लोग को हटा दिया, थोड़ा सा इससे प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा होना चाहिए, होता है, हमको लगता है कि थोड़ा सा होता होगा, क्योंकि बरसात में लोग भी नहीं जा पाते ज़्यादा, बरसात पानी की वजह से, और लोग जैसे क्या करते हैं कि कहीं एक ही जगह दिखा पानी गिर रहा बच रहा, अगर भूख लगा तो वहीं पे खा लेता है, हम लोग मिक्स राइस खा रहे हैं। आइए वही कहीं ना कहीं हम दुकानदार से बात करेंगे, जो ये दुकानदार है इनके बिजनेस में भी इफेक्ट पड़ रहा है क्या, इन सब चीजों को लेकर के आपके धंधा पे भी इफेक्ट पड़ रहा है? बरसात बरसात के मौसम को लेकर के आपके धंधा पे भी कुछ नुकसान हो रहा है? नुकसान भाई हो रहा है। अच्छा, बरसात से पहले सब ठीक था? हाँ। तो जब से आप यहाँ ठीक नहीं था, बहुत दिन लॉकडाउन हुआ बंद हो गया, इस कारण से हम लोग डूबा हुआ, अभी
और जब से बरसात चालू हुआ है तो कस्टमर आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है, नहीं डूब जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो जनता है इन्हें कहीं ना कहीं कुछ लोग हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस हो जाते हैं, पर कुछ लोग आम जनता का कहना है कि कहीं ना कहीं आम जनता मजबूर भी है कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, बनाने के लिए बहुत दिक्कत है, तो इसलिए उनको बाहर खाना पड़ता है। और ये जो दुकानदार है इनका कहना है कि जब से बरसात हुआ है तो इस चीज़ को लेकर के भी उनके धंधा में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। कहीं ना कहीं आम जनता है, कुछ लोग हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस तो डरती है बाहर की चीज़ों को खाने से। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत, और जीएन भारत भी आपसे अपील करता है कि ये जो बरसात का मौसम है इसमें गर्म पानी पिए, बाहर का खाना खाने से बचे, और ऐसे जगह खाना खाए जहाँ जो ऐसा खाना जो आपके हेल्थ को लेकर के हेल्थ पर ध्यान दे, अपने हेल्थ पर ध्यान दे, ऐसा खाना खाए जो आपके हेल्थ को खराब ना करे, हेल्थ पे इफेक्ट ना करे। रांची से सहयोगी शिखा श्रेया के साथ मैं राशिका बजाज, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।